নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আর মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে আসতে হবে না জনগণকে এবার থেকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ্য সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যা নিরসন এবং সরকার জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে দু সালের বারোই এপ্রিল থেকে নিজ সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীবেশ কর্মসূচি চালু করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা প্রতি বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই কর্মসূচি এর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধারণ মানুষ তাদের নানাবিধ সমস্যা অভাব ও অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সরাসরি তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং সাধারণ নাগরিকের নানাবিধ সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপও গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আর্থিক কিংবা অন্যান্য কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে দূর দূরান্ত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এসে পৌঁছতে পারে না জনগণ তাই এবার তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী এবার রাজধানীর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমাতেও ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্য कर परिकल्पना मुख्यमंत्री इससे लोग बहुत खुश है कि तुरंत मुझे मिल रहा है सब किसी को जैसे आधार कार्ड का समस्या हुआ ये भी है और किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो तुरंत जो मुख्यमंत्री का जो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जो फंड है उससे हम उसमें कर देते हैं तो इस तरह वो चल रहा है बहुत दिन से और आने वाले दिन मैं ये भी सोच रहा हूँ अगरतला में बैठ के ये कर रहा हूँ तो लेकिन आने वाले दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आ, आपका यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट और सब डिविज़नल लेवल तक वहाँ का सब डिविज़न में भी किसी को समस्या है तो सब डिविजनल ऑफिस में आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में कोई है आना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में बैठ जाएंगे वहाँ डीएम भी रहेंगे एसडीएम रहेंगे और वहाँ का लोकल जो अधिकारी भी वहाँ भी रहेंगे तो ये भी जैसे ये खत्म हुआ यहाँ तुरंत तो तो इसका भी एक स्टार्ट करने वाला हूँ तो इससे भी फायदा होगा बहुत लोगों को यहाँ पर आने में बहुत समस्या है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ये संभव है तो लोगों को मतलब इसमें कनेक्ट भी होते हैं सब लोगों का मतलब बोल पाते हैं जो मुख्यमंत्री से हम बात कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ हम जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इनके सामने रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जहाँ तक मुझे लगा सब तो खुश थे तो इस तरह चल रहा है प्रोग्राम आगे भी चलेगा ब्यूरो रिपोर्ट आर न्यूज़